अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि सेशन हेडर कैसे कॉल करेंगे। जैसे आज सेम प्रोसीजर है कि जैसे आपने अन सेशन हेडर कॉल करवाए थे, हाँ आप सेशन हेडर भी कॉल करवाएंगे। जैसे अगर इस टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन देखेंगे तो ये सेशन हेडर होगा। उसमें हम सारे जो हेडर्स होते हैं वो डेटाबेस से उठाते हैं और उसी को हम उसी यूज़र के मुताबिक हम कॉल करवाते हैं और वो सेशन हेडर क्या है। और उसी तरह से सेशन फुटर भी होता है, जो साइट के अंदर हम लॉगिन करके अंदर जाते हैं। जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मैं अगर लॉगिन करूँगा तो ये थे जो सारे अनसेशन हेडर हैं। अगर मैं लॉगिन करके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे जो यूज़र होगा अभी तो अभी ये जो हेडर्स आ रहे हैं ये सेशन हेडर्स हैं और ये फुटर जो है सेशन। तो इसी तरह से ये चीज़ें हम अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। अन सेशन जो है वो एचटीएमएल डिफाइन होती हैं जो शो होती हैं। तो सेम प्रोसीजर है, सेम फंक्शन है, कोई इसमें मसला नहीं है। आप जस्ट उसको उसी तरीके से कॉल करवाएंगे और कॉल करवाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। आप उस तरीके से उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं उसी तरीके से आप बना सकते हैं। लाजमी नहीं कि डेटाबेस से आए, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। थैंक यू।